हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू वाचिंग मी ऑन फुशा मैगजीन। आजकल हमारे इर्द गिर्द डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक अब्यूज़ पे बहुत से केसेस, बहुत सी गुफ्तगू हो रही है, तो हमने सोचा कि इस गुफ्तगू में कुछ एक्सपर्ट लोगों को लेकर आया जाए और उनसे बात की जाए कि डोमेस्टिक अब्यूज़ एग्जैक्टली है क्या, पाकिस्तान में औरतों के पास क्या हकूक़ हैं, मर्दों के क्या फ़राइज़ हैं, क्या इसकी कोई सज़ा मिल सकती है, क्या वाकई आप केस कर सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के लिए या नहीं, क्या डोमेस्टिक वायलेंस के लिए आपको सबूत की ज़रूरत है। इस तरह के बहुत से सवालात, स्पेशली ये कि इस सिचुएशन तक क्यों आने दिया, मार क्यों खाते रहीं अब तक, तो ऐसे बहुत से सवालात के लिए हमने आज एक लॉयर को अपने पास इनवाइट किया है। हमारे साथ हैं असमा ज़हरा, जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। 5 साल से वो अपनी फील्ड में प्रैक्टिस कर रही हैं। हर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ इज़ फैमिली सिविल एंड कॉर्पोरेट लॉ। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आइए हमारे स्टूडियो, हमें थोड़ा सा बताइए कि डाइवोर्स और खुला में क्या फ़र्क है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस अगर औरत करे तो क्या चीज़ उसमें इन्वॉल्व है। तो मिलते हैं असमा से और कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया बहुत बहुत कि आप आई। और वैसे भी फ़ोन पे भी आप मेरी काफ़ी मुझे चीज़ों को क्लियर कर रही थी। मैं कुछ भी, इतनी चीज़ें हो रही थी तो मैं कॉल करती थी, मैंने कहा उसमें मुझे समझ नहीं आ रही, लोग ये बात बोल रहे हैं तो ये क्यों हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि इंसान को जो है वो अपनी जो है खुद ही अपनी एक नॉलेज बढ़ानी चाहिए और सबको एक अवेयरनेस होनी चाहिए इन चीज़ों के बारे में। बिल्कुल, एक तो पहले ये कि आप माशाल्लाह से इतनी छोटी, इतनी प्यारी, इतनी वो लगे, मैं मुझे मुश्किल हो रहा है वो समझने के। अच्छा, ये लॉयर है, ये 5 साल से प्रैक्टिस कर रही है। ये यूडीएम में अक्सर ये वाले कमेंट जो है बहुत मिलते हैं कि अभी आप एलएलबी कर रही हैं या कर चुकी हैं। हाँ। लेकिन फिर उसके जब केस जीत जाती होंगी तो वो लोग कहते हैं सही किया है ना, आए हैं ना ऐसे एक्सपीरियंस। नहीं, बहुत दफा ऐसा हुआ है, होता है। मुश्किल है लॉ करना? मुश्किल जाहिर टफ फील्ड है, प्रोफेशनल डिग्री है तो मुश्किल तो है, लेकिन अच्छी है। मतलब मैं समझती हूँ कि लड़कियों को फील्ड में आना चाहिए, आपको एक कॉन्फिडेंस देता है एक सोसाइटी में मूव होने का, तो अच्छी चीज़ आपको आना चाहिए इसके अंदर। और मुझे लगता है कि बड़ा आपको डिटरमिन्ड, बड़ा स्ट्रॉन्ग, बड़ा कॉन्फिडेंट होना पड़ता होगा इस जॉब के लिए। वो आपको बना देती है, जो नहीं होता तो उनको भी बना देती है। रगड़ा इतना लगता है, रगड़ा ऐसा डिमांडिंग फील्ड है, आपको डिफरेंट लोगों से मिलना पड़ता है तो आपको नया आपको एक्सपीरियंस होता है, तो अच्छा आपका एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है एक प्रैक्टिकल सोसाइटी में जो है मूव करने का। बट आप कहेंगी कि लड़कियों के लिए ये फील ज़्यादा मुश्किल है? समाव है, लेकिन इतनी नहीं है, इतनी नहीं है। चलिए, उम्मीद देती हूँ उन्होंने, और आप डरे मत, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं एज अ लॉयर तो डू ज्वाइन द लॉ। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं डिवोर्स और खुला से, क्या फ़र्क है दोनों में? देखें, डिवोर्स होती है वो जो हस्बैंड देता है, जो कुरान ने, जो शरिया ने आपके जो है को हस्बैंड को एक पावर दी है कि वो डिवोर्स प्रोनाउंस कर सकता है, 3 दफ़ा तलाक देगा तो डिवोर्स हो जाती है। खुला जो है एक राइट ऑफ वुमेन है, जिसके अंदर वो एक राइट जो अपना जो का डोवर अमाउंट का हक में है, जो हर राइट होता है वो उसको वेव ऑफ करके खुला यानी अपनी मैरिज डिसॉल्व कर लेती है। तो हक में डिवोर्स तलाक होती है वो जो हस्बैंड देता है, और खुला वो की जो कोर्ट से लेनी पड़ती है लड़की को अपना जो है डोवर अमाउंट को वेव ऑफ करके। लेकिन इसके फ़ायदे या नुकसान या औरत को किस चीज़ में क्या चीज़ अदर देन हक में है, क्या गिव अप, क्या चीज़ें होती हैं इन्वॉल्व? देखिए, अगर तो हस्बैंड तलाक प्रोनाउंस करता है तो जो राइट ऑफ मेंटेनेंस होता है वो लड़की के पास मौजूद होता है कि वो लेकिन वो सिर्फ इद्दत के लिए, इद्दत पीरियड तक वो ले सकती है, अपना क्लेम कर सकती है, राइट ऑफ मेंटेनेंस वो ले सकती है। लेकिन अगर वो खुला लेती है तो फिर उनका राइट ऑफ मेंटेनेंस होता है वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि लड़कियाँ जब अपने पेरेंट्स के यहाँ होती हैं 5-6 महीने 8 महीने 7 तक होती हैं, लेकिन उनकी जब तलाक ना तलाक होती है ना खुला होती है, तो अगर इस पीरियड में अगर उनकी तलाक हो जाती है तो जो 1 साल का जो होता है वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं। लेकिन अगर वो इस पीरियड के बाद अगर वो खुला लेती हैं तो फिर उनको कुछ नहीं मिलेगा। ओह, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, ये मुझे ख्याल नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं सोच रही थी कि इद्दत के तो थोड़े से महीने होते हैं जी सिर्फ, लेकिन आप कह रही हैं कि अगर वो प्रोसेस इतना लंबा हो जाए कि लोग सेपरेशन में रह लेते हैं, वो तब वेट करते हैं कि आप लोग रिकनसाइल हो जाए, अगर रिकनसाइल नहीं होता तो फिर उसके, और अगर कोर्ट में चल रहा हो तो वो भी महीने इसमें काउंट होंगे या नहीं काउंट होंगे? अगर केस कोर्ट में चले, अगर वो प्रूफ हो जाए तो। हाँ, फॉर एग्जांपल खुला या डाइवोर्स का भी केस है किसी वजह से, वो कोर्ट में चल रहा है 6 महीने जी, तो वो 6 महीने की मेंटेनेंस बिल्कुल मिलेगी। फिर द रेट ऑफ जो जजमेंट होगी ना, प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट तक की आपको जो है मेंटेनेंस मिलेगी। ओके, सो ये फर्क है कि अगर आप डाइवोर्स आपको मिल रही है तो आप मेंटेनेंस
क्लेम कर सकती हैं उन महीनों के लिए भी प्लस इद्दत, लेकिन अगर आप खुला ले रही हैं तो आपके ऊपर आप ये राइट नहीं होगा, राइट आप वो मेंटेनेंस से नहीं क्लेम कर सकेंगी. ठीक है, फिर हम आ जाते हैं डोमेस्टिक वायलेंस पे. तो क्या आपके जहन में पहला स्टेप क्या होना चाहिए अगर कोई लड़की या कोई खातून जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस को फेस कर रही हैं अपनी शादी में? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि सब आप अपने पेरेंट्स को बताएं, क्योंकि हमारे यहाँ जो है इस तरह स्ट्रैटी हमारा जो एक बना हुआ है, एक पर्सन हमने बना दिया लड़की के बारे में कि वो माँ बाप के घर नहीं आएगी, या उसको जो है वो नहीं बताना घर का जो मामला है, वो घर में रखना ससुराल का अपने. तो पहले तो वहाँ उनको बताएं, अगर फर्स्ट टाइम भी देखेंगे, फर्स्ट टाइम अगर आपने स्टेप उठा लिया तो फिर आप आगे जा सकते हैं. जब आप लिंगर ऑन चीज़ों करते हैं तो लिंगर ऑन हो ही जाती हैं. तो बेहतर ये हम रिकमेंड नहीं करते हैं, अगर आप फकन देखें, अल्लाह ने औरत को एक ऐसा एक सिक्स सेंस दिया है कि उसको जिसका आइडिया होता है जिसके साथ वो रह रही है, सदा की नेचर कैसी है. अगर वो फर्स्ट इतना ख़राब है या वर्ड्स आपके साथ, तो वो आगे भी ऐसा ही होगा. बहुत कम होता है कि आपको लगता है कि हाँ एक आदमी चेंज हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता. जिस आदमी अगर नेचर स्टार्टा को आइडिया हो गया कि उसकी नेचर किस तरह की है, वो बहुत एब्यूसिव है, अग्रेसिव है, तो वो आगे भी ऐसा ही रहेगा. तो बेहतर है कि आप उस टाइम स्टेप उठा लें अपना. कोर्ट लॉ आपको जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2013 का, वो आपको राइट्स प्रोवाइड करता है कि आप कोर्ट में आएँ, आप उसके खिलाफ जो है पनिशमेंट्स हैं, फ़ाइन लगता है उनके ऊपर, उनको जो है वो 6 मंथ 1 ईयर की पनिशमेंट होती है. तो वो सब आप करवा सकते हैं, तरह एक लॉ का पूरा एक प्रोसीजर आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं. अगर चाहें तो आप आउट ऑफ द कोर्ट थ्रू मीडिएशन भी आप एक काम करा सकते हैं. सो आप कह रही हैं कि पहली बार ही जब हाथ उठाया गया या किसी भी किस्म का जीता उसको स्टेप लेने, तो उसके लिए फिर सबूत कहाँ से पेश करें? फॉर एग्जाम्पल, हस्बैंड ने एक थप्पड़ मार दिया है जी, या धक्का दे दिया है, और वो बीवी जो है वो नीचे गिर गई है और उसको चोट लगी है. फिर उसको 2 दिन बाद ख्याल आता है कि हाँ मेरे साथ ये हुआ था, और जैसे आपने कहा कि उसको रियलाइजेशन भी हो रही है कि भाई ये बंदा चेंज नहीं होने वाला, 2 दिन में भी आके उसने मुझसे माफ़ी नहीं मांगी, मुझे और गुस्सा कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अज्यूम करें, तो अपने माँ बाप को बताया उसने, वो कोर्ट में गई, तो वो फिर प्रूफ कैसे करेगी? देखिए, सबसे पहले तो ये होगा कि वो उसको करना क्या, अगर तो चाहे तो अपना अपनी मैरिज डिसॉल्व भी करा सकती है. डोमेस्टिक वायलेंस जो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस का सेक्शन 2 है, वो आपको 10 grounds देता है कि अगर आप किसी अकाउंट में फॉल करते हैं तो आप थ्रू कोर्ट अपनी मैरिज डिसॉल्व करवा सकते हैं अदर देन तलाक और खुला. तो उसके अंदर अगर अब्यूसिव है, आपको उसने मारा है, तो इसको आप प्रूफ करा के भी आप अपनी मैरिज डिसॉल्व करवा सकते हैं. अदरवाइज आप जो है डोमेस्टिक वायलेंस कोर्ट में जाके भी इसकी कंप्लेन लॉन्च करवा सकते हैं. ठीक है, जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है उसका थोड़ा वो जो एक एस वर्ड है डोमेस्टिक वायलेंस का, एक बहुत इसमें एक वास्ट उन्होंने जो है उसको एक स्कोप दे दी है, जिसके अंदर वो आपकी फिजिकल भी होता है, मेंटली टॉर्चर भी होता है. तो थ्रू अपने आप विटनेस से एविडेंस, यानी आप विटनेस भी लाते हैं इस चीज़ के लिए, दो लोग बता दें हाँ कि हमने देखा है ये मारते हुए, तो वो भी आपके लिए क्रेडिबिलिटी आपकी जो है वो बता देगा कि हाँ आप सही कह रही हैं. लेकिन इसमें उस केस में क्या होगा, क्योंकि मसला तो यही होता है, ये सब तो बंद दरवाजों के पीछे होता है जी, और अगर कोई देख भी रहा हो तो कोई अपने भाई अपने बेटे के अगेंस्ट सुनी जाता. मसला तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा ही ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस को प्रूफ कैसे किया जाए जी. तो इसमें आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगी, या आपको क्या लगता है? एक तो आपने बताया, ये तो मैं समझ रही हूँ, ठीक है थप्पड़ पड़ा पहली बार, आपके पास कोई प्रूफ भी नहीं है, फिर ऑब्वियस सोल्यूशन है मैरिज को डिसॉल्व कर लें या आप अलहदा हो जाएं, जैसे आपने बताया कि वो 10 points हैं उसके नीचे, ग्राउंड हैं जिसके नीचे आप अंडर विच यू कैन डिसॉल्व योर मैरिज, वो कर लें. लेकिन अगर वो केस हो कि एक दो दफ़ा दोबारा हुआ, फिर भी सबूत, आपने तस्वीरें नहीं ली, आपने किसी को जो आपने देखा है वो भी नहीं बताना चाहते, इस सूरत में औरत क्या कर सकती है? देखिए, पहले तो हमारे जनरल थोड़ा मिसकंसेप्शन अवेयरनेस लोगों में, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया है ना, उसमें सिर्फ ये नहीं कि जिस पे अब्यूज़ हुआ है जो विक्टिम है वही खाली जा सकता है. ठीक है, उसमें इन्फॉर्मर्स भी होते हैं, ठीक है, आपके रिलेटिव्स होते हैं जिन्होंने आपको देखा आपके होते हुए, तो वो भी आप कह सकते हैं चीज़ के बारे में. तो अगर आप नहीं जा सकते तो आप किसी इन्फॉर्मर को भेज सकती हैं, मतलब कोई थर्ड पार्टी भी आपके बिहाफ पे जा सकती है. जो हमारा लैकोना जो आता है वो देखें लॉ में, तो लॉ देखें डिपेंड करता है आपके एविडेंस पे. लैकोनाज हमारे अराइज यहीं पर होते हैं कि हमारे पास एविडेंस नहीं होता, लेकिन ज़ाहिर है कोर्ट आपको एविडेंस मांगती है, तो उसके ज़रिए होता है आपको ऐसा कुछ हुआ है, तो या तो आपके इतने स्ट्रॉन्ग विटनेस हों कि वो आपकी गवाही दे सकें, या जैसे आपको कुछ होता है आप फोन जिस तरह अभी हमारे सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ चल भी चलता भी है, आपको पता भी हो रहा होता है उसके अंदर कि आप पिक्चर्स दे रहे हैं, मतलब आपके पास कोई ना कुछ ऐसी हो जो आपके फेवर में हो,
मतलब मेरली जैसे आपने एलिगेशन लगा दी उसके बेस पे आप जो है वो किसी को जो है वो कन्विक्ट नहीं करा सकते, क्योंकि फिर उसका दूसरा फ्लिप पॉइंट भी है ना कि किसी पे झूठा इल्जाम भी लगाया जा सकता है, क्योंकि सिर्फ औरतों के साथ नहीं मर्दों के साथ भी ज्यादती होती है, वो फिर बीवी भी गलत बात कह रही हो सकती है और झूठा इल्जाम भी डाल रही हो सकती है, तो इसलिए भी आई थिंक वो सबूत की आपके इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो कि जब आप कुछ मतलब बता रहे हो, जब कोई कोर्ट आपके फेवर में कोई फैसला ले तो उसके पास एक कॉन्जुगेंट एविडेंस मौजूद हो कि हमने इसकी बेस पे इनको फेवर दी गई है। सो इसका मतलब है कि अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो आप डोमेस्टिक अब्यूज़ का केस नहीं कर सकते। नहीं, जरूरी है कि आप एविडेंस इकट्ठे कर लें पहले इस चीज़ के, क्योंकि फिर इश्यू होता है कि किसको पता नहीं होता कि बंदा आपका जो हालात में कितने सीवियर जाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे बंदा भले ही आपको आपका इरादा ना हो इस चीज़ का कि आपको आगे जाना है, लेकिन आप अपने पास कुछ ना कुछ सबूत के तौर पर ज़रूर रखें। अगर माँ बाप को बताया है तो माँ बाप क्या एज विटनेस उनकी गवाही एक्सेप्ट होती है? बिल्कुल होती कि है। अब हमारी बेटी ने एक महीने पहले आके हमें बताया था कि इसने हमें थप्पड़ मारा, इसने मुझे थप्पड़ मारा या इसने मुझे धक्का दिया या गाली गलौज की, वो बिल्कुल होती है। लेकिन देखिए टिप्स में डिपेंड करता है कि आपको ना थोड़ा जितना जल्दी इसको एक्ट के आप रिटर्न में जाएंगे उतना आपके लिए फेवर में होता है। अगर आपसे कुछ हुआ है आपको विक्टिम है तो आपको जो है वो जल्दी एज सून एज पॉसिबल जाना चाहिए। अगर आप टाइम लेके जाएंगे तो फिर वो आपके अगेंस्ट जाती है बात, कब से आप क्यों बैठे थे, आप क्यों वेट कर रहे थे, आप उस टाइम क्यों नहीं आए, तो शायद वो चीज़ आपके अगेंस्ट जाएगी। तो बेहतर ये जब आपको ऐसा कुछ एक्ट होता है तो आप फौरन जो कंप्लेन लॉन्च करवा दें। तो हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे तो उसी टॉपिक पे आते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस या डोमेस्टिक अब्यूज़ पाकिस्तान में क्यों नहीं रिपोर्ट होता, क्यों लड़कियाँ डरती हैं या क्यों लड़कियाँ या ख़वातीन क्यों नहीं इसको रिपोर्ट कर रही हैं, आप की क्या ऑब्जर्वेशन है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगी? देखिए इसका जो है वो एक सिंपल और जो है वो एक ही जो है इसका वजह इसकी यही होती है कि वो अपने सिर्फ घर बचाने के लिए, क्योंकि घर ने टूटा, क्योंकि देखिए ऐसा कोई भी मर्द नहीं होता कि अगर और उसके खिलाफ जाती है कोर्ट में डोमेस्टिक वायलेंस केस लेकर और उसको जेल करवाती है 6 महीने या साल की भी, तो उसे दोबारा एक्सेप्ट नहीं करेगा। जबकि अगर आप लॉ देखें तो लॉ तो ये कहता है कि अगर लड़की ने केस फाइल किया भी है तो उसको आप घर से नहीं निकाल सकते। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि हमारे तक जब एक डर बैठा होता है औरतों के अंदर, उसके उस डर की वजह से वो आगे नहीं आ पाती। इस व्हाट आई ऑब्जर्व टोटली बहुत ही रेयर होता है कि डोमेस्टिक वायलेंस केस आ जाए। और ये भी कि सबूत नहीं है तो कैसे प्रूफ सबूत करेंगे? ये उसके उनका उसका भी डर होता है कि सबूत नहीं है। अब देखिए जब आप ज़ाहिर कोर्ट में आएंगे तो फिर आप पे भी आपके करेक्टर भी एक देखिए सवाल उठेगा, फिर आप पर पार्टी आपसे क्वेश्चन करेगी, तो आई थिंक उससे बचने के लिए या उस चीज़ को जो है फेस ना करने के लिए कोर्ट प्रोसीडिंग्स को वो जो है अवॉइड करती हैं इस चीज़ को। तो ये वजह नहीं है कि लॉ प्रोटेक्ट नहीं करता, ये वजह नहीं है कि प्रोटेक्ट करता है कि लॉ कहता है कि आप उनका मतलब जब तक आप एक्नॉलेज कोशिश नहीं करेंगे तो कोर्ट को क्या पता। देखिए कोर्ट के पास तो बहुत चीज़ें केसेस चल रहे हैं ना, ये तो आपकी ड्यूटी है कि आप आए, अगर आप नहीं आएंगे तो आप किसी इन्फॉर्मर को भेज दें। हमारे यहाँ लोग कौन समझते हैं कि जब डोमेस्टिक वायलेंस से फिजिकल अब्यूज़ हुआ है तो फिर उसके लिए आपको सबूत चाहिए और आपको खुद आना है। आप नहीं आते तो आपके घर वाले आ सकते हैं आपके जयपुर में बोलने के लिए। इन्फॉर्मर से आपका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल उनकी अम्मी जाके बता सकती है, वो भी एनी थर्ड पर्सन। और सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस ये नहीं है सिर्फ हस्बैंड वाइफ का होता है, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत स्कोप वास्ट है। इसमें आपके सर्वेंट आते हैं, स्टेप चिल्ड्रन आते हैं, एनीवन जो आपके घर में काम करता है उसकी एज 18 से कम है तो उस पर कुछ आप तशद्दुद करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आता है। हम समझते हैं वैसे औरतों के लिए, वो सिर्फ औरतों के लिए, सिर्फ वाइफ हस्बैंड वाइफ के लिए नहीं है, वो बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, एक वास्ट टॉपिक है जिसके ऊपर आप बहुत कोई भी वहाँ जा सकते हैं उसके अंदर। लेकिन आज हम इसको सिर्फ हस्बैंड वाइफ पे फोकस करते हैं। लेकिन अच्छा क्या कि आपने ये पूरा एक्सप्लेन किया, मुझे ये जहन में डेफिनेटली था और रिलेशनशिप्स मैंने ये नहीं सोचा था कि मुलाज़मीन भी इसमें शामिल हो जाते हैं। ये वायलेंस है, वो भी देखिए वो तो अब्यूज़ है उनके खिलाफ भी, जैसे लोग मारते हैं, लोग जो है ज़्यादा काम कराते हैं बच्चों से, चाइल्ड लेबर जो होता है वो सब भी वायलेंस में आता है। अच्छा वो शायद लेबर लॉज के अंदर आ रहा हो, वो उसमें भी आता है कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है ना इसको भी उन्होंने वास्ट कर दिया इस चीज़ के लिए। तो आप ये कह रही है कि कोई भी इन्फॉर्मर जैसे आपकी बहन, दोस्त, कोई काम करने वाला माँ जा सकता है, कोई भी आपके बिहाफ पे जाके रिपोर्ट कर सकता है, कंप्लेन करवा सकता है, कंप्लेन कर सकता है, वो आपके बिहाफ पे कंप्लेन करा सकता है, क्या केस भी दायर कर सकता है? वो इतना ही कंप्लेन जो है पटिशन फाइल होती है इसके लिए, तो एक केस ही होता है वो, ठीक है, इसमें जो है वो उनको आपको प्रोटेक्शन भी दी जाती है, एक प्रोटेक्शन ऑर्डर होता है कि आप जो है वो उनको टच नहीं करेंगे, अगर तो अपने पेरेंट्स के यहाँ रह रही हैं तो आप वहाँ नहीं जाएंगे, अगर वो आपके घर में रहें तो आप उनको टच नहीं कर सकते, आप कुछ और जाएंगे हरास नहीं कर सकते, तो उसके तो आप कंप्लेन फाइल करते हैं, उसका एक प्रोटेक्शन ऑर्डर भी मिलता है आपको।
जो आपको प्रोटेक्ट करता है फर्दर किसी हरासमेंट से या वायलेंस से. तो फिर होता क्या है जब पिटिशन कर दी किसी ने, केस कर दिया, तो क्या पुलिस या कोर्ट वाले आके फिर उस बंदे को जिसके अगेंस्ट है उसको कुछ बताते हैं, कुछ कहते हैं? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नोटिस भी जाता है उसमें, जब वो आपको बेल करानी पड़ती है अपनी जो इनके अगेंस्ट है, वो बेल करानी पड़ती है, ले जाते हैं. जी बिल्कुल. ओके. और उनको बताया जो प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया होता है कोर्ट ने, उसके उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि इनके जो है वो आपके अगेंस्ट प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया गया है लड़की को, तो वह आप उनको कुछ कर नहीं सकते. तो इसलिए जब उस कोर्ट को आना पड़ता है, बार बार जब तक केस चल रहा है कोर्ट में आते रहेंगे. अगर वो प्रूव हो जाता है आफ्टर रिकॉर्डिंग एविडेंस, तो फिर जो है उनको पनिशमेंट होती है वो एज पर दी सीवियरिटी ऑफ द केस के हिसाब से जो है पनिशमेंट और फाइन उनको ग्रांट हो जाता है. सो लेट्स टॉक अबाउट फॉर ऑल दोज वुमेन, वो तमाम खवातीन जो इस वक्त सोच रही हैं कि वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस करें या नहीं करें. और अगर आपके पास सबूत हैं इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए, तो जैसे असमा बता रही हैं, आप ख़ुद भी पिटिशन दायर कर सकती हैं, आपके बिहाफ पे कोई और भी कर सकता है. कोर्ट आपके हस्बैंड या जिसके भी अगेंस्ट है उसको नोटिस भेजेंगी, आपको प्रोटेक्शन के लिए भी सहूलत प्रोवाइड की जाएगी. साथ रहना चाहें तो वो टच नहीं कर सकते, और आप अगर अलहदा घर में अपनी अम्मी के पास रह रही हैं तो वो आपके पीछे नहीं आ सकते. तो यस, अगर आप लोग सोच रहे हैं तो आई होप ये आपको गाइड कर रहा है, थोड़ा सा हौसला दे रहा होगा ये चीज़ के प्रोटेक्शन मिलेगी आपको. देखिए साथ ही होते हैं, हमारी इतना अवेयरनेस लोगों में नहीं होती है. हम लोग पहले हम लोग इतना डर अपने दिल में बिठा लिया होता है चीज़ों के बारे में कि हम जाते ही नहीं है. आप लॉ तो देखिए, लॉ तो बहुत बन रहे हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन इस वजह से कि लोग आगे बढ़ नहीं रहे. जैसे जैसे लोग आएंगे, केसेस बढ़ेंगे, रिपोर्ट होंगे, तभी एक लॉ जो है वो इम्पोज होगा और फिर प्रॉपर चलेगा. सो जब कोर्ट में चली गई, पिटिशन हो गई, केस स्टार्ट हो गया, चले बंदे की बेल भी होगी, वो घर चला गया, अब प्रूफ हो गया कि ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस है और उस बंदे को सज़ा भी हो गई फॉर एग्जांपल, तो इसमें अभी डाइवोर्स और खुला की कोई बात नहीं है, वो दोनों मियां बीवी हैं. अभी औरत का डिसीजन है और या मर्द का भी, कि वो दोनों अब साथ रहना चाहते हैं या वो अलहदा होना चाहते हैं. तो ये भी है, अगर आप चाहती हैं उनको दूसरा चांस देना तो यू स्टिल हैव टाइम कि शायद वो अपनी सज़ा करके, शायद ये होना तो यही चाहिए ना. इसके अंदर ठीक है, अब आपने गलती की तो आप उसको एक्सेप्ट करें. जो कंप्लेन होती है वो बेसिकली होती है कि आपके खिलाफ है, आपको पता हो कि आपने गलती क्या की है. अगर इसको आप जब अपनी ईगो बना लेंगे कि नहीं उसने मेरे खिलाफ कोर्ट गई क्यों, तो फिर तक कभी आपका तारुक चल नहीं सकता. तो आई थिंक जो हस्बैंड को चाहिए कि वो भी चीज़ को जो है वो काम भी समझें, अपनी जो है वो गलती को एक्सेप्ट करें, काउंसलिंग्स करें. देखिए सिर्फ जो ऐसे होना ये नहीं कि चले आपने कंप्लेन हो गई तो पनिशमेंट हो गई, आपको फाइन लग गया. इसमें प्रॉपर काउंसलिंग्स होती हैं, आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, इसकी भी काउंसलिंग्स होती है ना. जो आपका अग्रेसिव नेचर है वो आप कम करने के लिए, तो अगर आप काउंसलिंग वगैरह करते हैं तो फिर आप दोबारा फिर साथ रह सकते हैं. तो ये जो जेल होती है, एक तो फाइन है जी, और जेल भी है 6 महीने से 3 साल की डिपेंडिंग तक होती है. तो वो जो रेगुलर जेल है जिधर सब, या ये डिफरेंट टाइप नहीं, नहीं सेम यही होती है, सेम यही होती है. और लॉ में वैसे है कि अगर जो है वो मतलब कन्विक्शन से पहले अगर चाहे तो आप काउंसलिंग के भेज सकते हैं. मैं यही पूछना चाह रही थी कि वो उसमें कुछ ये लाजमी है कि इस बंदे को काउंसलिंग भी की जाएगी या बस जेल में डाल के उसको सजा देते हैं? लेकिन केस जो है वो कन्विक्शन तो जेल तो होती है, कन्विक्शन हो जाएगी, हाँ भाई इसने किया है. लेकिन कन्विक्शन से पहले भी जो है आप चाहें तो आप थ्रू काउंसलर के वाइफ को भिजवा सकते हैं. दोनों को से नहीं, सिर्फ हस्बैंड जाए, हस्बैंड वाइफ दोनों को आप भेजें काउंसलर के पास कि उनकी काउंसलिंग करें इस चीज़ के ऊपर. तो क्या सामने ऐसा होता है कि आप फिर जब काउंसलिंग होती है तो आप उससे आप ठीक हो सकते हैं. तो अगर वो चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, कहते हैं अपोलोजाइज कर लेते हैं कि अब नेक्स्ट टाइम ये नहीं होगा, दोनों साथ रहेंगे, तो क्या अक्सर वुमन से विड्रॉ कर लेती हैं, उसे वापस ले लेती हैं. सो ये इंटरेस्टिंग बात है जो असमा ने बोली, जो मुझे एक्चुअली ख्याल भी नहीं आया था कि पॉसिबिलिटी है कि डाइवोर्स या खुला नहीं हो, नहीं, और काउंसलिंग हो और चांस दिया जाए. बिकॉज ऑफ कोर्स नोबडी वांट्स के शादी टूटे, स्पेशली अगर बच्चे इन्वॉल्व हैं. और कोई नॉर्मल नहीं है, इतना कि एक डिजीज़ या समझने की होती है. जो लोग एग्रेसिव होते हैं, लोग जो है वो मारते हैं लोगों को, तो अगर इनकी प्रॉपर आप काउंसलिंग करें तो क्या पता है वो ठीक भी हो सकते हैं, क्योंकि जो है वो एक रिहैबिलिटेशन हो सकती है. और फिर ये भी थोड़ा डर है कि पहली बार भी सज़ा मिली थी तो सेकंड टाइम भी हो सकता है, सज़ा ही रोकती है लोगों को. सो इट्स ओके, और हर कोई परफेक्ट नहीं होता है. लेकिन इसमें एक जो मुझे चीज़ कंसर्न करती है आसमा, वो ये क्या गारंटी, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली एक दो केसेस देखे हैं जब हस्बैंड ने बीवियों को मार दिया, कत्ल कर दिया. तो ये इसको इसको रोकने के लिए या इस चीज़ से बचने के लिए कुछ लॉ में है, कुछ आप बोलना चाहेंगी औरतों को, क्या हो सकता है? बिकॉज आप चांस तो दे रहे हैं, पर व्हाट इफ उस बंदे के अंदर इतना है कि वो कह रहे हैं अभी तो मैं जाता हूँ घर पर बताता हूँ, अल्लाह माफ़ करे, और फिर एक्सट्रीम एक्शन वो कर ले, तो फिर क्या करेंगे? ये देखिए, इसमें मैं तो ये कहूँगी कि अल्लाह ने औरत को एक सिक्स सेंस दी है, उसको जिसका बिल्कुल आइडिया होता है. क्योंकि देखिए हम भी यार कोर्ट में खड़े होते हैं, हम भी देखिए सलाते हैं, कोई हमारे पास कोई आता है तो हमें इतना पता होता है कि वो क्लाइंट सही बोल रहा है, झूठ बोल रहा है.
तो जब एक हस्बैंड वाइफ एक साथ एक कमरे में रह रहे होते हैं, उनको आइडिया होता है कि हस्बैंड की नेचर कैसी है, तो उनको इसका आइडिया होता है अगर कोई चीज़ वो बोल रहा है तो वो कितना इस बात पे खड़ा रहेगा, वो कितना उस पर इम्प्लीमेंट करेगा. तो सिर्फ ये समझे कि अगर वो कह तो उसको आप इग्नोर ना करें, अपनी एक जो आपकी वाइब्स आती हैं आपकी आपको एक जो एक सिग्नल दे रही होती है, तो अगर आपको लगता है कि इंसान चेंज नहीं होगा, वो जो कह रहा है वो आपको उस पर ट्रस्ट नहीं, उस पर ट्रस्ट ना करें. और अगर इस बीच में काउंसलिंग हो रही हो तो वहाँ से भी आप मदद ले सकते हैं, वो भी आपको गाइड कर सकते हैं, वो भी बता सकते हैं कि रेडी है इंसान. जो एक्ट है उसमें उन्होंने बकायदा जो अब तक उसकी इंप्लीमेंट नहीं हुई, कि उन्होंने कहा कि कमेटी होगी उसमें जो है वो इंक्लूड होते सारे सोशल वर्कर्स भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं. सोशल वर्कर्स भी हैं जी. ओके. तो वो एक जो है वो 6 to 7 लोगों की कमेटी उन्होंने कहा कि आप बनाएं इस एक्ट के तहत, और फिर जो है वो उनसे काउंसलिंग करवाएं लोगों की. Okay. जो विक्टिम है या जो अब्यूसर है उसकी काउंसलिंग करवाएं. सो बेसिकली वो कमेटी सपोज, वैसे तो मतलब अगर आप बोल रही है तो मैं सोचूं कि वो काउंसलिंग भी हो, फिर सोशल वर्कर नजर रख रही हो. बिल्कुल. ऐसे वो आपको और वो गाइड करते हैं चीज़ के ऊपर कि आपको आपको फर्दर स्टेप क्या लेना है, वो आपको गाइड करेंगे. देखिए हम तो बींग एडवोकेट हमारा काम होता है हम लोगों को प्रोसीड करवाते हैं, लेकिन सोशल वर्कर होते हैं जो साइकोलॉजिस्ट, आपको ये बताते हैं कि आपको आगे फर्दर अपनी लाइफ किस तरह प्रोसीड करना है, किस तरह लेके चलना है. अगर इन केस अगर कुछ आपके साथ फर्दर कुछ ऐसा होता है तो आप क्या स्टेप लें, तो भी आपको सोशल वर्कर जो काउंसलर होते हैं वो आपको सही इसमें असिस्ट कर सकते हैं. सो जैसे आसमान ने कहा पॉसिबिलिटी है कि मियाँ बीवी दोबारा यूनाइट हो सकें, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स अ बिग रिस्क आई वुड से. अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ केसेस जो हमने देखे हैं वो उसकी एग्जांपल अच्छी नहीं है. सो इनकरेज करते हुए भी मुझे ऑनेस्टली डर लग रहा है, क्योंकि हम ये बोलते हैं और हमारे प्रोग्राम में जैसे किसी को सो देखिए हमारा काम से लोगों को अवेयरनेस देना होता है. हम बता रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटी भी है, ये ऑप्शन भी है दैट यू डू नॉट हैव टू टेक डाइवोर्स और खुला और सेपरेट फ्रॉम हस्बैंड. क्योंकि कभी कभी यू नो असमान एक सिंपल सी बात है, औरतें तो मोहब्बत करती हैं, वो तो मियाँ भी करते हैं, बट औरत और इसीलिए बहुत कुछ औरतों को टाइम भी लगता है कि वो ये स्टेप नहीं ले सकती, क्योंकि वो जो जज्बात हैं जो मोहब्बत है उसकी वजह से बार बार माफ़ भी करती हैं, वो वापस चली जाती हैं. और लेकिन फिर जब हालात अनबेयरेबल होते हैं तो फिर कुछ लोग करना पे स्टेप ले लेते हैं. मैं बताऊँ कि इंटरेस्टिंग चीज़ की अब हम जो देखने में आ रहे हैं ना, वो अब ये आ रहा है कि जो लोग जो है वो 10-10 साल 15-15 साल के बाद भी अब खुला ले रही हैं औरतें, मतलब अब उनमें ये अवेयरनेस आ रही है कि ठीक है हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया, बच्चे बड़े हो गए, अब वो अपने ऊपर अब्यूज़ करने होता है ना, औरतें बच्चों का सर कहती हैं चलो औलाद है क्योंकि बच्चे सफ़र कर जाएंगे, तो उस वजह से रुक जाती हैं. लेकिन अब वो कहती हैं जब बच्चे बड़े हो गए तो अब हम क्यों उस चीज़ को जो है वो सफ़र करें, वो चीज़ से बाहर निकल जाती हैं. ट्रू. सो अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो सोच समझ के लें. और मैं कह ये रही थी क्योंकि मोहब्बत होती है तो कभी कभी आपको उस इंसान की एक चीज़ बुरी लगती है लेकिन आप विश करते हैं कि वो ठीक हो जाए, तो अगर आप दूसरा चांस देना चाहें तो ये पॉसिबिलिटी है, बट बी वेरी वेरी केयरफुल. बेगिंग इमोशनल और जनरल अपने कंट्रोल रख के कोई भी फैसला लेने, अपने इमोशंस को हटा के सर्वाइवल इन लाइफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. इमोशनल पे जब आते हैं तो बंदा पर वो फिर फैसले असर पे गद हो ही जाते हैं इमोशनली. तो बेहतर है कि आप थोड़ा प्रैक्टिकली अप्रोच रखें, अपने सर्कमस्टांसेस को देखें, अपने फ्यूचर को देखें कि आप क्या चीज़ किस तरह आपको साथ लेके जाएगी आपको लाइफ आगे, उसके बाद कोई फैसला लें. अब हम आ जाते हैं उस सिचुएशन में, एक केस है जहाँ पे एक लड़की है उसको डोमेस्टिक वायलेंस फेस करना पड़ रहा है कुछ अरसे से. अब उसने डिसाइड कर लिया है कि अच्छा अब मैं एक्शन लूँगी, मैं अब इस पे इसको बर्दाश्त नहीं करूँगी. आप क्या कहेंगी, अब आप स्टेप बाय स्टेप हमें थोड़ा सा अगर गाइड कर दें फॉर हर टू हैव अ सॉलिड केस, उसको क्या क्या करना चाहिए. सबसे पहले उसको ये कि वो अपने एविडेंस बनाए, वो अगर तो उसके पास एविडेंस और विटनेस इतने स्ट्रॉन्ग हों कि वो आपकी जो है वो आपके फेवर में आपकी बात कर सकें, जो आप स्टेटमेंट थोड़ा सा हम इसको ऐसे लेके चलें जैसे हम गाइड कर रहे हैं लोगों को. फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा सबसे पहले आई थिंक माँ बाप दोस्तों को ये बात इन्फॉर्म की जाए, वो आप बताएं, कोशिश करेंगे अगर वो रिकनसाइल हो सकता है जब बड़े बैठ के उसको सॉल्व कर सकते हैं. हम उस सिचुएशन पे आ गए जब ये रिकनसिलेशन नहीं हो रही, ठीक है. और हम ये क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सी लड़कियाँ जो हैं वो ये डिसीजन ले लेती हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि आगे क्या करें, उन्हें ये नहीं पता कि उनको अब क्या वो सही इकदाम करने हैं जिससे वो ये प्रूव कर सकें कि उनके साथ ज्यादती हुई है. तो मैं उस सिलसिले में गाइड करना चाह रही हूँ उनको. वो फिर रिकन्सिलेशन तो अल्लाह करे कि हो जाए लेकिन वो मुश्किल ही होता है. तो अब अगर डिसाइड कर लिया तो सबसे पहले अपनी दोस्तों अपने इन्फॉर्म करें. हाँ. अगर आपको लगता है कि आप खुद जाइए अपना केस लीड कर सकते हैं आप खुद जाएं, अदरवाइज किसी आप इन्फॉर्मर को यानी अपने पेरेंट्स को अपने फ्रेंड्स को किसी को आप बता के भी आप अपनी कंप्लेन कोर्ट में फाइल कर सकती हैं. लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस कोर्ट्स की अलग बनी हुई है. लेकिन कंप्लेन करने से पहले जरूरी नहीं कि वो एविडेंस कर लें जमा. बिल्कुल. देखिए एविडेंस के बाद आप जा सकती हैं, जरूरी आप एविडेंस आपके हों और एविडेंस में तो पिक्चर्स हों आपकी, रिकॉर्डिंग्स हो आपके, विटनेस इतने स्ट्रॉन्ग हों
जो बोले कि हाँ उन्होंने देखा है इस चीज़ को, कोई मेडिकल हो, मेडिकल जो स्ट्रांग होता है मेडिकल होता अच्छा, है। अच्छा मेडिकल में क्या हो सकता है, ये गाइड करें किस तरीके से मेडिकल एविडेंस ली जा सकती है। देखिए मेडिकल डिफरेंस आती है, आपको अपना साइकोलॉजी दिखाना होता है कि आपको जो मेंटल जो होती है ना आपकी मेंटल हेल्थ, वो आपकी मेन होती है अब्यूज़ के अंदर। जो आपकी मेंटल डिस्टर्ब होती है ना, आपको वो पे दिखाना पड़ेगा कि आपकी मेंटल कितनी डिस्टर्ब हुई है। उसके आप डिफरेंट मेडिकेशन आपको पता है आप लोग ले रहे होते हैं, टैबलेट्स डॉक्टर आपको दे रहे होते हैं, आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास गई थी अपनी मेंटल हेल्थ को डिस्कस करने के लिए, वो आप उसकी प्रिस्क्रिप्शन लगा सकती हैं, कोई आप मेडिकेशन ले रही हैं, कोई सेविंग पिल्स दे रही हैं, डिफरेंट चीज़ें। इसमें जो है वो डिपेंड करता है ये कि जो है वो केस टू केस वेरी करता है कि आपकी क्या सिवियरिटी थी, आपको जो अब्यूज़ है वो किस टाइप का अब्यूज़ है। लेकिन अगर मारा है फॉर एग्ज़ाम्पल जी, तो और हॉस्पिटल आप गए हैं, तो क्या हॉस्पिटल में जो रिपोर्ट बन रही है उधर कहीं आप लिखाएं क्या करें? वहाँ पे जैसे आप गवर्नमेंट जो होते हैं ना, जिना वगैरह इनको मारते हैं, वहाँ पे एक MLO बनता है जो आपको बताता है, और उसकी एक वर्थ होती है। क्योंकि गवर्नमेंट का हॉस्पिटल तो उसकी आपको ऐसा कुछ है, आपको सीवियरिटी लगता है कि आपको मारा है, आपको जो है वॉन्ट्स वगैरह आ गए हैं, तो आप सबसे पहले वेरी फर्स्ट अगर हम कराची की बात करें तो आप जाएँ जिना हॉस्पिटल, तो वहाँ पर अपना MLO ज़रूर करें। MLO आपका बहुत ज़रूरी होता है, जब आपकी मेडिकल रिपोर्ट ऑफिसर होता है ना, मेडिकल लॉ ऑफिसर होता है वो, ठीक है, वो एक जब ऑथराइज गवर्नमेंट का ऑफिसर होता है तो वो आपका MLO करेगा। उसमें ये बताएगा कि हाँ इनको वॉन्ड्स आए हैं, इनको जो इंजरीज आई हैं, ये जहाँ भी है वो उसमें लिख देगा, और वो ये बताएंगे कि ये लग रहा है कि किसी इंसान ने मारा ये गिरने का जी। लेकिन अगर आपका हस्बैंड ही आपको लेके जा रहा है तो फिर तो आप ये नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल, उसके जरूरी है आप पिक्चर्स वगैरह इतने हैं, वो भी आपका एक एविडेंस है। पॉसिबल कि वो दो दिन बाद दोबारा हॉस्पिटल जाएँ, ये ऐसा कुछ जा सकते हैं फिर? अगर उसकी डिपेंड है कि आपकी इंजरीज उतनी सस्टेन अगर उस टाइम तक करती हैं तो फिर आप वहाँ जा सकते हैं दोबारा उसको आप चेंज, या अगर आप वो नहीं भी तो आपको जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके बिहाफ पे आप MLO करवा सकते हैं बाद में करवा सकते हैं जी, कि हम उस टाइम आए थे ये हमारी रिपोर्ट थी तो उस पर आप MLO कर दें हमारा, ठीक है। एविडेंस लीड करें, एविडेंस इकट्ठे करने के बाद आप खुद जाएं या किसी आप इन्फॉर्मर के हाथ भेज दें। कोर्ट में जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस की जो है अलग कोर्ट्स बनी हुई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर, ठीक है, स्टार्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल से ही होता है। सॉरी मैं बीच में कट कर रही हूँ, रिपोर्ट कराने कहाँ जाएं, पुलिस जाएं या कहीं पुलिस में, या डायरेक्ट कोर्ट में आप पिटीशन फाइल होती है, तो ये सेपरेट कोर्ट्स हैं, उस पे आप मालूम कैसे पड़ेगा? जैसे अगर जो PS का जो होता है ना, पुलिस स्टेशन आपका होता है उसके हिसाब से होता है। सॉरी दोबारा बोलिएगा, पुलिस स्टेशन जो होता है ना आपका उसके हिसाब से होता है, और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उन्होंने एक डोमेस्टिक वायलेंस कोर्ट बनाई हुई है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिलेगी, मैं इंटरनेट पे जाके देखूं? इंटरनेट में आप जाएंगे, कोर्ट तो हर जो है ना डिस्ट्रिक्ट का अपना एक बना हुआ होता है इन्फॉर्मेशन डेस्क, ठीक है, आप वहाँ पता करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस कोर्ट कौन सी है। सो कोर्ट में जाएं, मेन कोर्ट में जो भी आपके एरिया पे, आप डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, अगर आप मैं ईस्ट में रहती हूँ तो मैं ईस्ट की जाऊंगी डिस्ट्रिक्ट में इन्फॉर्मेशन डेस्क के पास और उनसे पूछूंगी कि डोमेस्टिक वायलेंस कोर्ट ईस्ट की कौन सी है, तो वो आपको बता देंगे। तो आप पुलिस स्टेशन ही, आप जो डोमेस्टिक वायलेंस की कोर्ट है आप डायरेक्टली उसमें जाइए अपना केस रजिस्टर कराने। जरूरी है कि बेहतर है कि आप जाए थ्रू काउंसिल जाएं, तो थ्रू काउंसिल लॉयर, लॉयर ओके, तो पहले आप लॉयर करें और लॉयर आप, अच्छा लॉयर करेंगे आप जो है वो इंडिपेंडेंट जा सकते हैं, लेकिन अगर बेहतर है कि जरा एक होता है ना लॉ को बताना और सही असिस्ट करना कोर्ट को, तो वो काम एक लॉयर ही कर सकता है, तो बेहतर ये है कि आप बजाय अपने आप किसी तो लॉयर से जाएंगे तो वो जाएंगे तो वो काम खुद कर देगा। नहीं नहीं सॉरी मेरी भी गलती है, ये तो सबसे पहला है कि लॉयर लें, एंड आई एम श्योर अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिल्कुल NGO भी है कि बेहतर है आप किसी लॉयर के थ्रू ही जाएं तो बेहतर है, फिर वो आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं, फिर कोर्ट जो है वो ऑर्डर करती है थ्रू SHO कि आप जो है इंक्वायरी करें कि वाकई में हादसा इन साथ हुआ था या नहीं, तो वो थ्रू आपके नेबर से इंक्वायरी करते हैं और फिर आपको दोबारा बुलाते हैं आप थाने और फिर आपसे एक आपका बयान लिया जाता है। तो जो कॉन्ट्रेशन आती है ना वो आपकी जो आप जो दे रहे होते हैं कोर्ट में एप्लीकेशन उसके अंदर और जो आप जो प्रोसेशन बता रहे हैं वो बात आपकी वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। जो यहाँ पे लोग फंसते हैं लकुना आता है वो भी आता है कि लड़कियाँ वहाँ कोई अलग बात कह देती हैं और जो है वो वहाँ जाती हैं दिन अपनी स्टेटमेंट पुलिस तो वहाँ पर अलग बात कह देती हैं। बट ऐसा क्यों होता है, खौफ की वजह से? खौफ कह सकती हैं बिल्कुल, तो ये कि आप अपनी सेम रखें ताकि आपका कैसे वीक ना होगी, फिर ये जो ना आपके केस में एक वीकनेस ला देता है कि आपकी जो ना शेविंग कॉन्ट्रेक्शन आ गई है, तो वो नहीं आनी चाहिए। यूजुअली ये जो केसेस होते हैं आपने क्या देखा है, कितने महीने चलते हैं, कितनी जल्दी डिसीजन हो जाते हैं? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा हुआ है कि विद इन 30 डेज में, 30 डेज में ख़त्म कर दें, लेकिन इतना होता नहीं है, वो टाइम उसमें लग जाता है। Okay. तो कम अज़ कम 20 साल चाहिए होते हैं आपको, इसमें पूरे एविडेंस लीड होते हैं, इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन होती है। देखिए इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ क्रिमिनल केस ही है, ये है तो एक पिटीशन पर एक क्रिमिनल केस लीड होता है, इसमें पूरे एविडेंस होते हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं विक्टिम की, उसके बाद उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं जो एक उसके काउंसिल होते हैं, उसके बाद जाके जजमेंट होती है इसके अंदर। एक साल ये मैं आपको मैक्सिमम कहा, मैंने डिपेंड करता है केस टू केस, कोर्ट में जो है वो कोर्ट कितने केस चला रही है,
यूजली जब मैं देखा है कोर्ट कोशिश करती है पहले को काउंसलिंग कर देंगी कोर्ट, ये कोशिश ही करती है पहले दोनों को साथ के साथ बिठा कर किसी काउंसलिंग में भिजवा गए किसी तो उनको काउंसलिंग करवा दें। ये डोमेस्टिक वायलेंस के उसमें भी ये कोशिश हम ही करते हैं तो कि मर्द घर ना टूटे तो मर्द को क्या थोड़ा सा धमकी हमकी देते हैं कि भाई तुम ऐसा मत करो या क्या मतलब काउंसलिंग के उसमें ये होती है वो काउंसलिंग आपने क्यों किया या आप बताएं आप एक्शन से ना करें तो काउंसलिंग प्रॉपर कराई जाती है कोर्ट में भी होती है लेकिन जो है एज पर दी लॉ तो जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग तो आपकी कमेटी होनी चाहिए जो अब तक बनी नहीं है इम्प्लीमेंट नहीं हुई उस चीज़ की लेकिन क्या पता फ्यूचर में हो जाए। मैं अगर डेविल्स एडवोकेट प्ले करूँ या मैं थोड़ा सा वो उस तरह सोचूँ तो मुझे आपकी बातों से थोड़ा मतलब मैं इस वक्त ना डबल उसमें चल रही हूँ, एक तरफ मुझे ये भी डर लग रहा है कि जैसे आपने कहा कि वो काउंसिल करते हैं तो कुछ केसेस में यस मर्द विल चेंज, बंदा चेंज होगा, उसको गलती का एहसास होगा और दुआ करते हैं सबको चेंज, लेकिन कुछ केसेस मुझे डर लग रहा है कि वो तो बोले कि अच्छा चलो तुम वापस तो चलो केस तो वापस लो फिर मैं नहीं कहा ना लॉ इसमें एक्ट में ये भी है ना कि आप उसको हाथ भी लगा सकते हैं आप उसे घर से बाहर भी नहीं कर सकते लेकिन उसने अगर वापस ले लिया केस तो फिर तो कोई किसी के हाथ में नहीं है। जो मेजॉरिटी केसेस नहीं आते कोर्ट में वजह यही होती है, यही होती है डर दोबारा नहीं बिल्कुल डर होता है कि आपको डर होता है कि वापस जा नहीं सकते आप। और लेकिन एक नॉर्मल बात भी कि एक आदमी जब माइंड में बात आ गई उसके आदमी ईगो को छेड़ दिया मर्द की कि आप उसको कोर्ट में ले गए उसको आप आदमी को जेल भेज दिया तो बहुत ही रेयर होता है कि अच्छे मर्द हैं जब एक्सेप्ट करके अपनी गलती वो दोबारा जो है अपनी जो नई दोबारा चला लेते हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस हैं, इनका कोई आसान हल नहीं है तो हमारा काम सिर्फ ये कि हम आपको जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं हम दे रहे हैं, हम नहीं कह रहे कि ये करें या वो करें क्योंकि जैसे जैसे मैं बात भी कर रही हूँ तो मेरी भी जहन में पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव दोनों आ रहे हैं एंड बिकॉज रिपोर्ट ही नहीं होते तो लॉ आगे जाके लॉ को इम्प्रूव कैसे किया जाए, चीज़ों को कैसे बेहतर किया जाए, ये भी एक प्रॉब्लम एक चैलेंज है जो मुझे लगता है पाकिस्तान में फेस हो रहा है क्योंकि जब केसेस ही नहीं है तो उस पर आप करेंगे क्या करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट तो मौजूदा अगर कुछ जगह लॉ में मौजूद नहीं है तो कैसा कोई ऐसा आता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो अपनी जजमेंट बना के भी आपके लिए चीज़ें एक चीज़ ला सकती है लेकिन वो यही इशू है कि जब तक आप उस चीज़ को एड्रेस नहीं करेंगी उस चीज़ को आगे एक्नॉलेज नहीं करेंगे कि हाँ ठीक है काम हुआ था या कोई चीज़ को अगर मतलब नहीं माना हस्बैंड हाँ मेरी गलती थी या नहीं थी तो वो चीज़ आगे बढ़ ही नहीं सकती। ठीक है अगर हम इसको थोड़ा सा उल्टा करें हम मर्द के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें क्योंकि मैं चाहती हूँ ये बैलेंस वीडियो हो, औरतें भी तो डोमेस्टिक वायलेंस करती हैं मर्दों के ऊपर अपने हस्बैंड के ऊपर कम होती है ये लेकिन ये एग्जिस्ट करती है, उसमें क्या उसमें भी यही प्रोसेस है मर्द के पास कि वो एविडेंस लेके जाए या वो तलाक दे दे, आप क्या कहते हैं क्योंकि ये बड़ा आसान होता है अब लोग मेरी बात सुन के बोलेंगे मर्द है वो तलाक देते लेकिन कभी कभी कुछ मर्द भी मेंटली इतने सबमिसिव होते हैं कि वो ये स्टेप नहीं ले सकते बिल्कुल उनसे नहीं लिया जाता, उनको भी प्रोटेक्शन चाहिए होती है तो उनके लिए भी यही प्रोसीजर्स हैं सारे वो यही सब कुछ करें या उनके लिए थोड़ा सा डिफरेंट है कुछ या क्या? देखिए पहले तो हमारी बेटर रियलिटी तो हमारे सुधरी की जो लॉ है पूरा पाकिस्तान का ले लें आप तो थोड़ा इंक्लाइन है औरतों की तरफ और बेचारे मर्द तो आपने सबसे हैरानकुन बात बोली है जो भी सुन रहे होंगे मर्द वाकई में जो है समटाइम ऐसा होता है कि होता है हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि मर्द उसको इमोशंस नहीं होते बेचारा वो एक्सप्रेस भी कर नहीं पाता तो इस जगह जो है बेचारा वो मार खा जाता है इस बात के ऊपर कि उसके इमोशन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपनी बात को तो वो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है सर्वाइव करना या अपनी बात को प्रूव करना कि किस तरह औरतें मैंने देखा है मैं खुद ही कैसे डील कर रही हूँ मैं लड़की सबसे अपेयर हो रही हूँ तो लड़कियाँ जो करती हैं क्योंकि 5 मिनट बराबर नहीं होती बिल्कुल लेकिन उसका फिर असर ये होता है कि जो होती है ना जेन्युइन केसेस फिर वो भी जो ना फिर उनको डाउट क्रिएट हो जाता है जब आप इस तरह झूठे केस लाते हैं तो बेहतर है कि सही केसेस को मैं तो रिकमेंड करती हूँ जो देख रहे हैं कि जो सही केसेस हैं उनको प्लीज आगे आने दें और इस तरह झूठे केस ना लाएँ जिससे वो एक डाउट क्रिएट हो एक औरत के ऊपर कि हाँ वो झूठे केस ही ला रही है या गलत केस है क्योंकि जो भी जनरल होता है ना वो बेचारे वो भी बहुत सफ़र कर जाते हैं। अच्छा हम इस ये झूठे केस वाली बात जो जिसमें औरत गलत है और उसने जो गवाही दी है जो विटनेस जो सबूत दिए हैं वो गलत उस पर हम आते हैं लेकिन उससे पहले तो अगर मर्द पे अब्यूज़ हो रहा है मर्द वायलेंस का शिकार है तो वो प्रोटेक्शन ले सकता है बीवी के अगेंस्ट, उसकी बीवी को भी सज़ा हो सकती है उसको भी फाइन हो सकता है यही सज़ाएं सारी नहीं देखें जो मर्शी वाले हैं वो तो औरतों के लिए औरतों के लिए मर्दों के लिए कुछ नहीं है नहीं सो दे कैन नॉट डू अ केस नहीं अनफॉर्चुनेटली नहीं है हमारे यहां ये लगता है ना हमें लगता है कि जो मर्द बहुत स्ट्रांग है तो वायलेंस हो ही नहीं सकता ओके तो है ही नहीं तो वो क्या करेगा ओ सो दे कैन नॉट डू एनीथिंग नो ओके उनके पास पावर है कि तलाक दे दें उनके पास एक ही पावर है जो अक्सर वो भी जो डेलीगेट कर देते हैं वाइफ को बस वो एक है जो अपना हथियार बनाएंगे वो यूज़ करते हैं खाली ओके सो ओके मुझे पता नहीं है मैं इसको क्या बोलूँ मुझे यकीन नहीं आ रहा बिकॉज मुझे मैंने कहा कि हमारा लॉ जो है हमें लगता नहीं कि जो है वो लॉ बहुत फेवर करता है औरतों को ओके हम मानते नहीं करते इस पर हम कुछ नहीं कर सकते इस पर मैं क्या आगे बोलूँ आई एम जस्ट
आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट टू दिस. ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, हम उस चीज़ से बात करें. अगर केस गलत है, अगर झूठा केस किया गया है मर्द के ऊपर, तो किस तरीके से प्रोटेक्शन है मर्द को, कुछ आप गाइड कर सकती हैं ताकि औरतों को भी हो कि नहीं भाई ऐसा मत करें, आप पकड़ी जा सकती हैं. और फिर उस केस में क्या औरतों को कोई सज़ा है कि झूठा केस आपने किया, झूठी गवाही सबूत आपने पेश किए? जी देखिए, इसमें अगर पहले तो है कि केस जब चलते हैं, जब केस में हो जाए कि हाँ ठीक है ये गलत केस है, एंड में जजमेंट आ जाए, ठीक है, तो उसके बाद जो है वो हस्बैंड के पास ये पावर होती है कि वो चाहे तो सिविल भी इसमें होता है, ढमचा केस करता है, और क्रिमिनल भी होता है. ओके, तो ये क्रिमिनल और सिविल दोनों इनके पास जो है लॉज में इनके पास राइट प्रोटेक्शन है हस्बैंड को, कि वो उनके खिलाफ जो है वो पनिशमेंट भी करवा सकते हैं उन्हें, और डैमेजेस भी क्लेम कर सकते. पनिशमेंट क्या होगी? जेल होगी? जेल होगी. कितना अरसा होता है? वो डिपेंड करता है कि आपने आपके लिए जो है वो एलिगेशन लगाई थी वो कितनी देर सीवियर एलिगेशन थी, उसके बाद जो है उसमें भी वो भी पूरा प्रॉपर केस लीड होता है. ओके, फिर उसमें भी एविडेंस चलते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं कि यहाँ से ऑर्डर हुआ, उसके बाद ये पनिशमेंट. सो इसका मतलब है कि पहले ये जजमेंट आएगी कि ये जो औरत ने केस किया ये गलत है, ये झूठा है, उसके बाद दूसरा केस चलेगा, हस्बैंड करेगा कि चाहे तो डैमेजेस फाइल कर देगा, डिफेमेशन कर दिया, तो ऑटोमेटिकली सजा नहीं होनी चाहिए कि आपने गलत पावर का भी. देखिए हर कोर्ट की अपनी अलग पावर होती है. okay. तो हर जिसने ये कोर्ट है डोमेस्टिक वायलेंस पर, उसकी पावर से डोमेस्टिक वायलेंस का ऑर्डर करना है, ये क्रिमिनल केस नहीं चला सकते इन इस बेस के ऊपर जो आपने जजमेंट आई है. उसके लिए आप क्रिमिनल कोर्ट जाना पड़ेगा या सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा डैमेजेस के लिए. बहुत से केसेस में हम देखते हैं कि औरत डोमेस्टिक वायलेंस का केस नहीं करती है जी, लेकिन खुला या डाइवोर्स के बाद वो कस्टडी में या फिर वो मेंटेनेंस के केस में वो गवाही या वो सबूत देती है कि यू नो मुझ पे डोमेस्टिक वायलेंस किया था जब मैं शादी में थी जी. इसकी क्या वजह होती है और ये उस वक्त क्यों सबमिट किया जाता है, और क्या इससे डोमेस्टिक वायलेंस किसी तरीके से प्रूफ होता है? देखिए अगर आप बात करते हैं मेंटेनेंस की, तो जब मेंटेनेंस में आप डोमेस्टिक वायलेंस का अपना इशू बनाते हैं, तो उसकी वजह ये होती है कि जो अगर तो आप घर छोड़ के खुद आई हैं तो आप जो है वो एलिजिबल नहीं है मेंटेनेंस के लिए. इसमें लॉ कहता है अगर आपने अपनी जो है वो जो मैट्रिमोनियल लाइफ होती है अगर आपने उसको सही परफॉर्म नहीं किया तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द मेंटेनेंस. लेकिन अगर आप ये प्रूफ कर दें कि आप पे क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था, आप पे तशद्दुद हुआ था, इस वजह से आप घर छोड़ कर आई हैं, और अगर ये प्रूफ कर देती हैं तो फिर आप जो है वो मेंटेनेंस के लिए एलिजिबल हो जाती हैं. लेकिन वो मेंटेनेंस सिर्फ उन महीनों जब कोर्ट में केस चल रहा है, और अगर आप शादी में हो या फिर इद्दत के टाइम के लिए, उसके बाद वाला तो नहीं ना. उसके बाद आपकी मैरिज रिजॉल्व हो गई तो आपका अपने हस्बैंड पर राइट खत्म हो गया, तो फिर क्यों सबमिट कराई जाती है एविडेंस? क्या ये प्रूफ किया जा रहा होता है कि इसका कैरेक्टर सही नहीं है? देखिए और क्या रीजन हो सकते हैं? तो मेंटेनेंस आपने वो 3 महीने की चले आपको लेनी थी, वो आपने एक ये ले ली, तो क्या बच्चों की मेंटेनेंस गार्जियनशिप के लिए अगर आप जाएं तो फिर आपको दिखाना पड़ता है. देखिए जो मेन जो होता है ना गार्जियनशिप का जो होता है जो मेन पर्पस होता है बच्चे की कस्टडी किसको दी जाए, ऑल दो 7 ईयर तक हर बच्चे के लड़के के लिए हजारत होती है माँ के पास की, वो कस्टडी रख सकती है, और टिल दी प्यूबर्टी एज लड़की की रख सकती है. ठीक है, लेकिन अगर हस्बैंड चाहे तो वो भी बच्चे के लिए क्लेम कर सकता है. ठीक है, तो जो मदर्स अगर जो डालती है ना डोमेस्टिक वायलेंस का इशू उसमें मतलब जो हाईलाइट किया जाता है कस्टडी मैटर्स में, वो इसलिए किया जाता है कि ये प्रूव करेंगे जो बाप या उसका करेक्टर सही नहीं है या वो बच्चे के लिए सिक्योर नहीं है, क्योंकि बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है वो डिस्टर्ब होगी अगर जिस तरह वो वायलेंस देख के घर से आ चुके हैं, या जो फर्दर वो देखेंगे तो उनकी वायलेंस उनकी जो है वो हेल्थ पे या मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट ना हो, तो उस चीज़ की वजह से जो है वो इस चीज़ को हाईलाइट किया जाता है. सो अगर मैं क्लैरिफाई करना चाहूँ, मेंटेनेंस या कस्टडी का केस है तो उसमें ऐसे ही तो आप डोमेस्टिक वायलेंस की चीज़ें नहीं सबमिट करा सकते ना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. जी ऐसे तो नहीं आप तस्वीरें दे देंगे कि जी मुझ पे डोमेस्टिक वायलेंस होगा, ऐसा तो नहीं है. नहीं. उसका यही रीज़न होगा या तो कस्टडी के लिए बिल्कुल ये बाप ने इस पे ये शो करने के लिए कि जो है वो आपने जो फैसला किया है वो आपने किस वजह से किया है, इसको दिखाने के लिए कि अगर आपने फौज में खुला भी लिया तो आपने खुला क्यों लिया, आपने वायलेंस की वजह से लिया, और सेकेंडरी ये कि आपने जो है वो बच्चे की जो है कस्टडी वेलफेयर बच्चे की सिक्योर है मदर के पास और फादर के पास सिक्योर नहीं होगी, तो वो चीज़ प्रूफ करने की जो है वो आप इस चीज़ को लाते हैं बीच में. सिर्फ अगर वो मेंटेनेंस जीत जाती हैं तो ये प्रूफ हो सकता है कि वो सही कह रही हैं. वो सही कह रही हैं. ठीक है, हम थोड़ा सा अगर बात करें मेंटेनेंस और कस्टडी के ऊपर, आपने ये तो क्लियर कर दिया कि जब डाइवोर्स होती है या खुला होती है और अगर बच्चे हैं तो 7 साल तक कस्टडी माँ के पास होती है लड़के की और बेटी की प्यूबर्टी तक. ठीक है, अब अगर बाप ने मिलना हो बच्चों से तो क्या बाप के पास खुली इजाजत है, वो किसी वक्त भी जाके मिल सकता है या बाप को कोर्ट के थ्रू ही जाना पड़ता है इवन एक दफ़ा मिलने के लिए भी? देखिए डिपेंड करता है, अगर तो क्यों आप पता कि वो ट्रेंड चल गया मैं को पेरेंटिंग का, तो अगर तो को पेरेंटिंग है और आपको मदर कोई इशू नहीं है कि आप जाके मिले तो आप जाके मिल सकते हैं. ठीक है, अगर वो कोई इशू क्रिएट करती है, वो मना करती है कि आप नहीं बच्चे से नहीं मिल सकते, तो फिर आपको थ्रू कोर्ट जो है मीटिंग्स लेनी पड़ती हैं. सो अगर
कोई कोर्ट में गया है बच्चों की से मिलने के लिए, तो इसका मतलब है कि कोई रीजन था कि माँ ने मना किया, इसीलिए वो गया है, वरना ऑटोमेटिकली आप कह रही हैं कि इजाजत है बाप को नेचुरल गार्जियन, वो तो बच्चे से मिल सकता है, उसको तो कोई रोक टोक नहीं। तो अगर कस्टडी का केस चल रहा है तो दैट मीन्स कि कोर्ट पे ये डाउट किया डाला गया है कोर्ट में, या मतलब बाहर से मना हुआ है तो इसलिए वो जाहिर है वो कोर्ट आना पड़ा। देयर इज अ कंसर्न कि बाप के साथ बच्चों का मिलना बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए वो कोर्ट में ये केस चल भी रहा है। जी राइट, ठीक है। सेकंड, आप आ जाएं, हमने कस्टडी की बात कर ली कि फिर बाप को कोर्ट के थ्रू जाके मिलने के लिए भी परमिशन लेनी है और को पेरेंटिंग या जो है उसके लिए भी पूरा कोर्ट के थ्रू जाना पड़ेगा उसको। मेंटेनेंस पे आ जाए, मेंटेनेंस क्या बाप को ऑटोमेटिकली नहीं देनी पड़ती बच्चों की इन केस ऑफ अ डाइवोर्स और खुला? देखिए वैसे तो जाए बाप को देनी देनी है, वो तो लाजमी है उसके ऊपर, ऐसा होता है कि फादर खुद से नहीं देते तो अगर इन केस वो खुद से नहीं देते फिर जाए कोर्ट में आपको आना पड़ता है बच्चे की मेंटेनेंस लेने के लिए। और उसमें क्या होता है, मतलब हमने कुछ केसेस में सुना है कि बस इतने से 1,000 रुपये दे दिए, तो वो क्या, ये क्यों होता है और कोर्ट को इतना टाइम क्यों लगता है ये डिसीजन लेने में कि हाँ ये बच्चा है तो वो 5,000 रुपये तो नहीं पलेगा बच्चा, जो जब बाप भी इतना वेल एस्टैब्लिश या कुछ कर रहा हो, ये क्यों कॉम्प्लिकेशन होती है? देखिए सही होता है ना कि अगर तो सॉरी अगर मैं बिल्कुल जाहिलाना, मुझे लगता है मैं एक आम आवाम की तरह और एक आम औरत की तरह ये सवालात पूछ रही हूँ, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर बच्चा आपके पास रह रहा था, एक घर है, बिजली का बिल ही आपका कम से कम 15,000 का तो आता होगा, राइट? तो 15,000 मतलब ओवरऑल एक्सपेंस ही आपके 50,000 तो होता होगा, तो ये जब बच्चा आपके पास रह रहा था, अभी इसमें स्कूल की फीस नहीं शामिल की, इसमें सिर्फ खाना पैम्पर्स और यू नो और कपड़े और सब चीज़ें, अगर मेड है या कुछ है कुछ है, तो जब डाइवोर्स हो गई और बच्चा माँ के साथ रह रहा है तो फिर 10,000-15,000 में कैसे वो गुजारा करेगा? तो ये मैं सोचती हूँ कि फिर इतना लंबा केस क्यों चल रहा होता है। तो ये उसमें डिपेंड करता है ना, अगर तो प्लेंटी के बाद में स्ट्रॉन्ग एविडेंस है अपने हस्बैंड की फीस सैलरी के ऊपर कि वो बता दे खाली कि अगर आप उनकी बैंक स्टेटमेंट दिखा दें तो आपको कोर्ट अच्छा खासा मेंटेनेंस अलाउ कर देती है। बैंक स्टेटमेंट आपको दिखानी पड़ेगी, कोर्ट को दिखा दें अगर आप, कि आप भाई मांग सकते हैं, आप कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि अपने हस्बैंड के एक्सिस्टेंस होता है ना कि जो है वो वाइफ रखती हैं, उनको इतनी नॉलेज होती है, अगर उसे यही बता दें कि प्रॉपर्टी कितनी है उसके पास। और देखिए 1,000 तरीके और भी होते हैं, रिटर्न होते हैं, वो आप इजीली निकाल सकते हैं, बट कोर्ट भी तो ऑर्डर कर सकती है ना बैंक स्टेटमेंट दिखाने के लिए। कोर्ट के पास कोर्ट की एम्पावर है कि अगर जो है वो हस्बैंड अपनी सैलरी सही नहीं बताता तो वो जिसके ऑफिस जहाँ काम करते हैं वहाँ से मंगा ले वो, ठीक है, अगर वो नहीं जाता तो वहाँ से उस कंपनी को बाउंड करके वो मेंटेनेंस पे करे। यहाँ पे इशू ये आता है कि जो इंटरनमेंट होती है वो सिर्फ होती है हस्बैंड को सुने बगैर, मतलब एक जो स्टैंड होती है ना मेंटेनेंस वो अलाउ करती है। अगर आप देखें, अगर वो कोई बता दे एक लड़की कि मेरे हस्बैंड है वो एक इंजीनियर है तो आपको पता है कि इंजीनियर की बेसिक सैलरी कितनी होगी, ठीक है, तो उसके ऊपर जो मिनिमम मेंटेनेंस अलाउ की इंटरमेंट है वो एक इंटरम होती है, मतलब परमानेंट वो इंटरम आरजी से आप कह सकते हैं, ठीक है। सो आप कह रही हैं डिपेंडिंग कि वो उस बंदे की क्या जॉब डेजिग्नेशन है या जॉब उसके हिसाब से होता है। देखिए वो तो फिर बाद में पता चलेगा ना कि वो आपने जो अगर आप कहती हैं कि मेरा हस्बैंड 1,00,000 कमाता है, वो तो एट द टाइम आर्गूमेंट पता चलेगा, एविडेंस पता चलेगा कि हाँ वो 1,00,000 कमाता है नहीं कमाता, तो एट द टाइम ऑफ जजमेंट पता चलेगा कि हाँ पे अब उसकी इंक्रीमेंट करनी है नहीं करनी मेंटेनेंस। लेकिन उससे पहले जो इंटरमेंट जो आरजी जो आप कहते हैं तो वो कम ही होती है, वो मिनिमम जो है वो स्टार्ट होती है 5-10,000 तक के बीच में हो सकती है, क्योंकि वो इंटरम होती है, परमानेंट नहीं होती, वो इंटरम होती है खाली। उसके बाद जब एविडेंस लीड होंगे, जब पता चलेगा कि हाँ पे एविडेंस के अंदर के उसके सबूत क्या है, वो कितनी अर्निंग है, उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, उसके बाद अगर उसके बच्चों की मेंटेनेंस बढ़ भी जाती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसके अलावा आप कुछ कहना चाहेंगी अपने से ख़वातीन को, क्योंकि आप डील करती हैं फैमिली लॉ में, कोई आप कॉशन करना चाहेंगी, कुछ एडवाइस देना चाहेंगी? ये पहला सेशन हम दोबारा भी बुलाएंगे अस्मा को एक और टॉपिक पे बात करने के लिए, आई थिंक अब बड़े जज्बाती हो गए हम लोग वो कूल थी ना जज्बाती हो रही थी ना कि मतलब आपको जो है सबको ज़रा हम सबको मतलब लोगों को इतनी नहीं पता होता, तो अवेयर अच्छा कि जितना ज़रा आपके तवज किसी के पास कोई जा रही है अवेयरनेस और अगर किसी को एक तरह कोई साइन मिल रहा है कि वो कोई स्टेप फर्दर उठाए तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप कुछ गाइडेंस कुछ मैं देखिए यही कहूँगी कि जो भी केस करें मतलब पैतरे कि आप सही केस फाइल करें और जब भी जाएँ मतलब ऐसे जाएँ कि अपने स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ जाएँ, मतलब अपने केस को एक स्ट्रॉन्ग बना के जाएँ, और अगर आपको लगता है जब आप अदालत आपको एक सक्सेस दी है तो उस हिसाब से जो है वो आप अगर आपको लगता है कि आपका जो है वो गुजारा मुश्किल है किसी शख्स के साथ तो आप स्टेप उठा लें, मतलब उसको डिले ना करें, ये सोसाइटी का क्या है कि प्रेशर क्या सोसाइटी का या पेरेंट्स का किसी का ना लें, लेकिन बहुत इमोशनल से हटा कर एक प्रैक्टिकली अप्रोच के साथ जो है अपना कोई फैसला लें, कि मुश्किल होता है ना ये मुश्किल होता है लेकिन देखिए करना पड़ता है, कुछ से मतलब बच्चों के लिए करनी पड़ता है, कुछ इंसान अपने लिए करनी पड़ती हैं। सही कह रही हैं आप, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आज मेरी तो बड़ी नॉलेज में इजाफा हुआ, ऐसी ऐसी चीज़ें पता चली जो मैंने कभी सोची नहीं थी और मुझे वाकई इन्फॉर्मेशन नहीं थी।
सो आई होप कि आप लोगों को भी कुछ हमारी इस वीडियो से मदद मिली हो, कुछ चीज़ों की अवेयरनेस क्रिएट हुई हो. अगर आप ऐसे किसी सिचुएशन में हैं जहाँ आपको गाइडेंस की ज़रूरत थी, तो हमारी तरफ से इस वीडियो ने आपको गाइडेंस दी हो. अस्मा प्राइवेट प्रैक्टिस भी करती हैं, आप हम उनकी डिटेल्स नीचे लिख देंगे, अगर आप चाहें तो आप उन्हें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं. वरना जहाँ भी आपको मदद मिल रही है, जहाँ भी आप किसी लॉयर को एक्सेस कर सकते हैं, डू गो एंड कंसल्ट. इफ़ यू आर इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, आई थिंक दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू गो एंड स्पीक टू अ लॉयर, ताकि वो आपको सही तरीके से गाइड कर सकें. इंस्टेड कि आप अज्यूम करें कि ये होगा, ये नहीं होगा, वो हो जाएगा, स्पीक टू अ लॉयर, ताकि वो आपके हकूक और आपके जो भी फराइज़ हैं उन पर क्लियरली आपको एक गाइडेंस दे सकें. सो आई ट्रप यू जो है वो ऑनलाइन जो है वो हेल्पलाइंस भी हैं, आप देखें लीगल एड जो है वो सेविंग गवर्नमेंट है वो लीगल एड सोसाइटी के नाम से, लीगल एड सोसाइटी के नाम से. तो उसको जहाँ आप चाहें तो आप ऑनलाइन कॉल करके फूड भी आप उससे गाइडेंस ले सकते हैं. ठीक है, आपका जो मेन होता है ना मकसद ये हो जाएगी कि आपको स्टेप पता हो कि आपको जाना कहाँ है, मतलब आपको स्टेप लेना कौन सा है, उसके बाद आप खुद भी जाएँ, कोई इशू नहीं. आप जो है वो इन पर्सन अपेयर हो सकते हैं थ्रू काउंसलर, जिस टाइम भी आप चाहें जा सकते हैं. मेन हमारा मकसद ये होता है कि आपको सिर्फ बेसिक आपके राइट्स पता हो, आपको अवेयरनेस हो कि अगर कुछ होता है तो आपको उसको कहाँ पे एड्रेस करना, किस तरह करना है. ठीक है, आप अगर आपके पास कोई सवाल आते हैं तो या तो आप कमेंट्स में लिखिए, या फिर आप हमें info@fuchsia.com.sg पे ईमेल कर सकते हैं, या आप हमें इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं. अगर हमारे पास एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आ गई जो इतने हुए कि हमें लगा कि हम अस्मा को दोबारा तकलीफ देंगे, वो अपना काम छोड़ के आके हमारी मदद करें, तो हम एक और सेशन करेंगे जिसमें हम आपके सवालात का जवाब देंगे. ट्राई टू मेक इट नॉट वेरी पर्सनल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके. So that's all from our side for today. Take care and Allah Hafiz.